प्रभु जानता है कि आपको कैसे ले जाए और कहां पर ले जाए और कैसे उन चीजों का मालिक बनाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये आपके जीवन में सफल हो सकता है, कि प्रभु आपको आशीष देगा और आपको सब कुछ बनाएगा आपने सोचा भी नहीं कि आपके लिए संभव होगा। मैं आपको ये पवित्र आत्मा के अभिषेक से कहता हूँ आज के दिन कि प्रभु आपको लेगा और वो बनाएगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आप इस तरह होगे। लेकिन विश्वास करें, देखिए हाथ खोलना तो ऐसा है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। यदि मैं आपको ये घड़ी दूं तो आप इसे नहीं ले सकते, क्योंकि आप तो बस बंद मुट्ठी वाले व्यक्ति हैं, आप इसे नहीं पा सकते। इसलिए इसे खोलना होगा और अपने हाथ खोलने होंगे तब आप पाएंगे। और दशवांश में आप अपने हाथ खोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं इस पर विश्वास नहीं करता, वो बंद मुट्ठी के हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। यदि विश्वास नहीं करते तो यह बुरा है, क्योंकि आप प्राप्त करने पर विश्वास नहीं करते। आप इसे असंभव बनाते हैं कि आपको यह आशीष पाए। क्या आपको आशीष नहीं चाहिए? क्या आपको प्रभु से कुछ नहीं चाहिए? चलिए मैं आपको एक और उदाहरण दूं, क्योंकि यह अच्छे से समझने में मदद करेगा। वो है श्वास। पहले ही समझ गए हैं। कुछ लोग बहुत बचत करने वाले, वो कहते हैं ये जैसे चल रहा है बहुत साल तक नहीं चलेगा, पानी नहीं मिलेगा हमें। वो कहते हैं पता नहीं श्वास लेने के लिए हवा भी मिलेगी या नहीं, अच्छा है बचा कर रखूं।
यानी यदि आप श्वास लेकर उसे अंदर ही बचा कर रखने की कोशिश करें और उसे बाहर न छोड़े मेरे दोस्तों। और जब श्वास छोड़ते हैं तो विश्वास करना है कि श्वास लेंगे भी, आप भरोसा करते हैं कि आप श्वास ले पाएंगे। यदि आप श्वास न ले तो लोग कहते हैं कि ये गुजर गए हैं, इसका मतलब है श्वास छोड़ दी और फिर श्वास नहीं ली तो मर गए हैं। बस यही, लेना यानी भीतर लेना और छोड़ना यानी बाहर छोड़ना। यदि कोई व्यक्ति मर जाए यानी श्वास छोड़ दे और श्वास न ले तो वो मर जाता है, यानी जीवन विश्वास का जीवन है, चाहे आप इसे समझे ना समझे। जब भी आप श्वास लेते हैं अपने नाक से तो आप कहते हैं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं कि मुझे अगली श्वास मिलेगी और मैं जी सकूंगा, मैं श्वास लेकर आगे बढ़ूंगा, हर समय मैं विश्वास से जीता हूं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैं श्वास लेता और छोड़ता हूं, श्वास लेता और छोड़ता हूं, मैं देता और पाता हूं, देता हूं और पाता हूं, खुले हाथ से मैं देता हूं, खुले हाथ से पाता हूं, मैं श्वास छोड़ता और श्वास लेता हूं। हेलो, आप यहां हैं? प्रभु के साथ ये इसी तरह काम करता है, दशवांश के साथ भी। जब आप दशवांश लाते हैं लोग कहते हैं क्या मुझे सब कुछ मिलेगा भाई? खैर, इसकी फिलॉसफी नहीं बना सकते हम, इस पर बहस नहीं कर सकते कि यदि श्वास छोड़ दे तो आप श्वास लेंगे या नहीं। जब तक बहस होती रहेगी आप खत्म हो जाएंगे। विवाद के लिए समय नहीं मेरे दोस्तों। आप श्वास छोड़ते हैं और आप श्वास लेते हैं और क्या कह सकते हैं इससे करे, बस श्वास छोड़ दे और बड़ी गहरी श्वास ले, जितना हो सके उतना ले और जोर से ले, मतलब श्वास लेते जाएं और आपके लंग्स फूलते जाएं और फिर श्वास छोड़ दे। विश्वास रखे कि जो बाहर जाता है वो भीतर आएगा, ठीक है? एक बार की बात है, एक मुसाफिर रेगिस्तान से जा रहा था, वो पंप के पास आया, वो बहुत प्यासा था, उसने पंप देखा, वो पास में गया तो उसे एक छोटा प्ले कार्ड दिखा, लिखा था प्यारे मुसाफिर यहां के इस बकेट का पानी लेना और इसे पंप में उंडेलना और फिर जितना चाहे निकाल लेना और मन भर के पीने के बाद और नहाने के बाद उसके बाद जो चाहे करना, याद रखना कि एक और बकेट पानी भर के यह रखना कि अगले व्यक्ति के लिए काफी हो जाए जब वो आता है। तो ये भाई आकर वहां खड़े हो गए। अब ये वो बचाने वाले व्यक्ति थे, उसने कहा रुको एक मिनट, यदि मैं ये पानी उंडेल दूं, वो बहुत प्यासे थे, उन्होंने कहा पानी पीकर नहाना अच्छा होगा, ये तो इस रेगिस्तान में आराम होगा। तो उसने कहा रुको एक मिनट, मैं ये पानी की बकेट इसमें उंडेल देता हूं और इसके बाद भी अगर पानी नहीं आएगा तो फिर क्या, तो जो है वो भी चला जाएगा। परेशानी थी, मेरे पास जो है मैं उसे उंडेल दूं या जो है उसे पी लूं और आगे बढ़ूं? यदि मैं उसे उंडेल दूं और ये अच्छे से काम करे तो जितना चाहे पानी ले सकता हूं, गाड़ी पानी से भर सकता हूं और पूरी यात्रा के लिए काफी होगा अगले महीने के लिए। लेकिन यदि मैं सोचता हूं कि ये काम नहीं करेगा तो मैं थोड़ा सा पा सकता हूं और मेरे पास एक बकेट हो सकती है और मेरे बाद आने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। देखिए, जो लोग बाद में आएंगे उन्हें पानी चाहिए, उनके लिए काम नहीं करेगा। ये परेशानी थी। बहुत से लोग ऐसे परेशानी में होते हैं, वो कहते हैं खैर भाई यदि मैं दूं तो ये काम करेगा। इसे जानने का एक ही तरीका है, बस इसे उंडेल दे और यदि नहीं मिले तो मेरे पास जो है वो भी चला जाएगा, तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। आपके पास जो है वो है और केवल वही रहेगा। आपके पास जो है उसे रखने से उससे बढ़कर कुछ पाने का कोई मौका नहीं होगा। जरा कल्पना करें कि आपके पास जो है उससे उसके बढ़ने का मौका नहीं है, बहुगुणन का मौका नहीं है और आशीष के लिए मौका नहीं है, बढ़ोतरी और उन्नति का कोई मौका नहीं है, इससे बेहतर होने का कोई मौका नहीं है। जब तक आप विश्वास से काम न करें और उसे न लें और उसे न उंडेल दें। और देखिए पंप काम करता है या नहीं, मैं आपसे कहता हूं मलाकी 3:10 यह अद्भुत पंप है जो काम करता है या असफल नहीं होता। सारे दशवांश भंडार में लेकर आओ और देखो कि क्या मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपको अपना जीवन इस तरह से जीना है कि जमा करने के लिए कोई जगह ही न रहे, कि प्रभु की आशीष को थामे रहे?
बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी लोग केवल जानते हैं ऐसा जीवन जिसमें बहुत ज्यादा आशीषें नहीं है, हमेशा कमी है और घटी और मुश्किलें हैं और अकाल है और जरूरतें हैं और कर्ज है और हर तरह की चीजें हैं। वो इसी में जीते हैं, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जमा करने की कोई जगह नहीं रहना। मैं आपसे कहता हूं कि मैं इसके बारे में प्रचार करूंगा कि कोई जगह नहीं होगी जब तक कि सब लोग मुंह खोलकर ये न कहें, हाँ परमेश्वर की स्तुति हो, मेरा जीवन ऐसा है कि अब आशीष के लिए कोई जगह बाकी नहीं है। मेरी एक ही समस्या और वो समस्या है कि परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए मेरे पास जगह बाकी नहीं है। हम इसे कैसे कर सकते हैं? इसे करने का कोई और तरीका नहीं। ये मानो उस आदमी के साथ बात करने की कोशिश करना है जो छोटी बकेट लेकर है। बहुत से लोग वहां छोटी बकेट लेकर खड़े हैं। आपके पास केवल उतनी छोटी बकेट ही है। यदि आप कभी विश्वास का कदम बढ़ाकर उसे न उंडेले, और केवल जब आप उसे उंडेलेंगे तब आपको मौका मिलेगा कि आप उन सारी चीजों को पंप से निकालते जाएं। और फिर मैं आपको बताऊं, आपकी गाड़ी काफी नहीं होगी, आपके बर्तन और मटके काफी नहीं होंगे कि परमेश्वर की आशीषों को थामें। कुछ भी काफी नहीं होगा। हेलो, एलिशा के दिनों में देखिए तेल कैसे बहुगुणित हुआ। उसने कहा जाकर बर्तन लाना, वो बहन कर्ज में थी। भविष्यवक्ता पास आता है, अपने सारे बर्तन लाती है और वो कहता है कि जाकर बाकी सबके बर्तन लाना। वो तेल बहुगुणित होना कभी बंद नहीं हुआ। वो केवल इसलिए रुका क्योंकि कोई बर्तन नहीं थे। हेलो, ये तब तक आते रहा जब तक कि बर्तन थे। प्रभु कहता चुनौती देता हूं, तुम्हें जगह मिलेगी। मैं तब तक नहीं रोकूंगा जब तक तुम ना कहो कि प्रभु रोक दे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। उसने इसे किया और दिखा दिया। जब तक बर्तन खत्म ना हुए, जब तक उसके सारे बर्तन खत्म ना हुए और बर्तन बाकी नहीं रहे। कितनी अच्छी समस्या, कोई जगह नहीं है। ओ मेरे प्रभु, जब मैं इसके बारे में कहूं तो रोमांचित होता हूं क्योंकि असली है, यह हुआ है। आप इसे कैसे पाएंगे? उसी तरह पाएंगे जैसे पाना चाहिए। इसे पाने का एक ही तरीका है। आप इसे मेरे साथ चर्चा करने से नहीं पा सकते। नहीं, यह आपको नहीं मिलेगा, आपको केवल प्रचार मिलेगा। आपको जो करना चाहिए वही करना होगा, तब पाएंगे इसे। इसे पाने के लिए पृथ्वी पर और कोई तरीका नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं। देखे, मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा बताता हूं कि ये काम करेगा। मैं आपको बताऊं, जब ये इसे करेंगे आपको कभी कमी नहीं होगी, आपकी पीढ़ी को भी कभी कमी नहीं होगी, आने वाली पीढ़ियों तक आशीष आती रहेगी। ठीक है, यानी अब्राहम ने कहा मैं उस परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं अपने हाथ उसकी ओर उठाता हूं, मैंने पहले उठाया है कि अपना दशवांश दूं, और अब मैं प्रभु की ओर देखता हूं कि मैं जहां भी जाऊं मुझे आशीष दे, मैं जहां भी जाऊं मैं अपेक्षा करता हूं कि आशीष मुझे दे। वो कहते कि यहां अकाल है, वहां अकाल है, मैं यहां पर समस्या है, वहां समस्या है, कोई बात नहीं, मैं भरोसा करता हूं कि प्रभु की आशीष मुझ पर है। आमेन। इसलिए मैं अपने हाथ तुम्हारी ओर नहीं उठा सकता, वो कहता है। वो कहता है मैं कुछ नहीं लूंगा। वचन 22, वो कहता है मैंने अपने हाथ परम प्रधान यहोवा की ओर उठाए हैं जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। मैं अपना दशवांश उसके पास लाया जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। वाचा क्या है? वाचा तो वो है जहां दो पार्टी एक दूसरे से कहती है जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है। ठीक है, दोनों कहते हैं मेरा है वो तुम्हारा है। और जब मैं परमेश्वर के साथ वाचा में आया, जब अब्राहम परमेश्वर के साथ वाचा में आया, तो मानो परमेश्वर ने उससे कहा तुम अपना परिवार छोड़ो, संपत्ति छोड़ दो और आ जाओ, तुम्हें कोई कमी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास जो है वो सब तुम्हारा है। वाचा के द्वारा जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है। ये अच्छी लेन देन है। जब मैं प्रभु के पास आया मेरे पास कुछ नहीं था, यानी जब वो कहता है जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है, मैं कहता हूं खुशी से मेरे पास जीरो है, तो ये सब ले ले। और वो कहता है जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। इसलिए मैं उसकी स्तुति और आराधना करना पसंद करता हूं, उसके बारे में प्रचार करना पसंद करता हूं, क्योंकि उस वाचा ने मुझे सब कुछ दे दिया है। परमेश्वर की आशीष यीशु मसीह में उसके द्वारा। यानी अब्राहम कहता है कि मैं अपने हाथ उसकी ओर उठाता हूं, वाचा में उसके साथ हूं, आकाश और पृथ्वी के मालिक के पास जो है वो मेरा है। पृथ्वी मेरी है, तुम मुझे कुछ देने के बारे में कह रहे हो? तुम मुझे किससे प्रभावित करना चाहते हो? ये कुछ नहीं है, मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं। ये सारा संसार मैं पाऊंगा, सारा संसार मेरा होगा। क्या आप ये विश्वास करेंगे?
यानी जब आप चलते हैं या ड्राइव करते हैं तो आप सारी जगह के मालिक जैसे दिखना चाहिए, इसके बारे में संदेह न करें। आपकी ओर देखने से वो जानना चाहिए कि ये मालिक है, हम जानते हैं। आमेन। वो जानेंगे कि मालिक कौन है। आपके पास मालिक का अभिषेक है। आप पर आशीष है। आशीषित व्यक्ति हो जाए, परमेश्वर की आशीष में चले। ठीक है, अब अब्राहम की आशीष के तीन भाग हैं। अब्राहम की आशीष क्या है? तीन भाग हैं। एक है प्रमोशन, क्योंकि यहां ये कहता है, मैं अपने हाथ अपने सर्वोच्च परमेश्वर के सामने उठाता हूं। वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है संसार में। सब उसके नीचे ही है। अब आप उसके साथ वाचा में जुड़ते हैं। आज आप जीवन में खुद को कहीं भी पाए, चाहे कितने भी नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे जुड़ने के बाद आप ऊपर ही उठेंगे। वो आपको अपने स्तर पर उठाएगा। मसीह जीवन का यही अर्थ है। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसका अर्थ है कि आप उसके साथ वाचा में हैं, तो आप जैसे पहले थे वैसे नहीं रह सकते हैं। यदि आप पिछले 10 साल से वैसे ही हैं विश्वासी होने के बाद, तो मैं आपसे कहूं कि आप सही चीजें नहीं सुन रहे हैं। यही समस्या है। आप वही नहीं रह सकते। ये यीशु आपको उठाएगा। ये आपको उठाएगा दिनों दिन, हर दिन। वह आपके स्रोत बहुगुणित करेगा। वह आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा, आपको ऊंचाइयां ऊंचाइयों और ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जब तक कि वह आपको अपने स्तर पर न लेकर आए। वो सर्वोच्च परमेश्वर है और आप सर्वोच्च परमेश्वर की संतान हैं। यानी प्रमोशन प्रभु से आता है। आप प्रमोशन के लिए नियुक्त हैं। आप प्रमोशन के लिए बंधे हैं और प्रमोशन आपका है। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 ये कहता है, यदि आप वचन 1 पढ़े, देखिए क्या कहता है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वो नहीं कह रहा था कोई खास व्यक्ति, कोई महान संत संसार के किसी कोने में बैठा होगा उसे। वो इसराइल के सारे लोगों से कह रहा था, सारे देश से कहता है कि मैं तुम्हें सारे देश में सबसे ऊपर ले जाऊंगा। तुम सबसे ऊपर होगे, सबसे बेहतर होगे, तुम सुपर देश होगे, तुम ऐसे लोगों का समूह होगे जिन्हें आशीष में कोई नहीं हरा सकता है। मैं तुम्हें पृथ्वी के सारे देशों के ऊपर में रखूंगा। क्या आप विश्वास करते हैं? आप वचन 14 देखिए, कहता है, परमेश्वर तुम्हें सिर बनाएगा और पूंछ नहीं बनाएगा। यह प्रमोशन है दोस्तों। हम में से कुछ लोग आज शायद पूंछ होगे, सिर आगे आगे जाता और पीछे पीछे तो बस पूंछ हिलते हुए जहां भी सिर जाए वहां जाती है। लेकिन परमेश्वर कहता है, शायद आज तुम पूंछ हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। तुम अब पूंछ नहीं रहोगे, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। सब लोग कहे मैं सिर रहूंगा, पूंछ नहीं रहूंगा। सिर ही है जिसके पीछे पूंछ आती है। सिर ही पूंछ को हिलने की आज्ञा देती है। आज्ञा तो सिर से आती है। आप सिर होगे, पूंछ नहीं होगे। आप गुलाम नहीं होगे, प्रभु होगे। आप आज्ञा देने वाले होगे और सुनने वाले दास न होगे। आप सिर होगे और पूंछ नहीं। इसे सुनिए, तुम सिर होगे पूंछ नहीं, और तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। हेलो, सब लोग कहे मैं सिर रहूंगा, पूंछ नहीं, मैं ऊपर रहूंगा और नीचे नहीं। क्या आप सच में विश्वास करते हैं? ओ मुझे पसंद है, मैं हमेशा ये कहता हूं, जब भी मुझे याद आता मैं कहता हूं, मैं ऊपर रहूंगा नीचे नहीं, मैं सिर रहूंगा पूंछ नहीं। प्रभु की आशीष आकर मुझ पर छा जाएगी, संसार के सारे देशों के ऊपर, इस संसार के सारे लोगों के ऊपर। परमेश्वर उन्नति देगा, वो उठाएगा ऊंचाइयों पर, आदर देगा। ये विश्वास करें दोस्तों, इस पर विश्वास करें। शायद आज आप नीचे हो और महसूस कर रहे हैं कि परेशान है, शायद लगे कि कोई मेरा आदर नहीं करता, शायद कोई मेरी परवाह नहीं करता, शायद आप बिल्कुल नीचे हो, बिल्कुल नीचे की दशा में। मैं आपसे कहता हूं, प्रभु आपका आदर करेगा और महिमा लाएगा। प्रभु प्रमोशन देगा, प्रभु आपको बड़ा सम्मान देगा, प्रभु आपको आदर देगा, आपके जीवन में वो ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ठीक है, यानी पहली चीज प्रमोशन है और दूसरी चीज है प्राप्त करना। प्राप्त करने का अर्थ है कि यह आपके पास है, आपके पास अब अभिषेक है, आपके पास योग्यता है कि प्राप्त करे,
सब कुछ, आमीन, कि घर पाएं, कि जमीन पाएं, कि चर्च के लिए जमीन प्राप्त करें, कि चर्च बनाएं, आपके पास लेने का अभिषेक है, कि प्राप्त करें, सब कुछ लें, ये विश्वास करें। हाँ, मैं सोचता हूं बहुत से विश्वासी के लिए बातें बीत चुकी है, आशीष की ट्रेन चली गई है, कुछ लोगों के लिए तो 20-30 साल पहले ही उन्होंने गीत गाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वे गीत गाते कि मुझे सोना नहीं चाहिए और पृथ्वी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यह उनका लक्ष्य है। जबकि प्रभु कहता है, मैं तुम्हें सारी पृथ्वी का मालिक बनाना चाहता हूं। क्योंकि असल में आदम सारी पृथ्वी का मालिक था, शैतान ने आकर सब कुछ बर्बाद किया था। यीशु इसी उद्देश्य के लिए आया कि एक बार फिर मनुष्य को सारी पृथ्वी का मालिक बना दे। हेलो, क्या आप यहां हैं? प्राप्त करने वाले, सब लोग कहे प्राप्त करने वाले। प्रभु जानता है कि आपको कैसे ले जाए और कहां पर ले जाए और कैसे उन चीजों का मालिक बनाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह आपके जीवन में सफल हो सकता है, कि प्रभु आपको आशीष देगा और आपको सब कुछ बनाएगा, आपने सोचा भी नहीं कि आपके लिए संभव होगा। मैं आपको यह पवित्र आत्मा के अभिषेक से कहता हूं आज के दिन कि प्रभु आपको लेगा और वो बनाएगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आप इस तरह होगे। लेकिन विश्वास करें, विश्वास करें मेरे दोस्तों, विश्वास करें, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है कि आप परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं के मालिक हो। यह अब्राहम की आशीष है, क्योंकि परमेश्वर केवल सर्वोच्च परमेश्वर नहीं है, वो क्या है? वो मालिक है। यदि वो मालिक है आकाश और पृथ्वी का, तो मैं भी आकाश और पृथ्वी का मालिक हूं। यही बात है, यही वाचा है, यही इब्राहिम की आशीष है, यही तो मलकीसदेक ने कहा था। अब्राहम का परमेश्वर धन्य है, सर्वोच्च परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। आखिरी बात, पहली बात है प्रमोशन, दूसरी है प्राप्त करना, और तीसरी है सामर्थ और अधिकार। सामर्थ और अधिकार, इसका अर्थ है राज्य करने की योग्यता। जो भी पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलेगे स्वर्ग में खुलेगा। आपके पास अधिकार है, आप प्रभु और स्वामी हैं इस अधिकार पर, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आशीष, ये आशीष है मेरे दोस्तों, आप नीचे नहीं होगे, ऊपर होगे, आप सारी चीजों के स्वामी होगे, आप राज्य और अधिकार करेंगे यीशु मसीह में और उसके द्वारा। इस पर विश्वास करें। ये कहां है अब्राहम की कहानी में? उसने कहा, उसने तेरे सारे शत्रु को तेरे हाथों में सौंप दिया है। मलकीसदेक ने कहा, उसने तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हाथों में दे दिया है। बस यही, तुम राजा हो, तुम राज्य करते हो। सारे 4-5 राजा युद्ध हार गए थे, अब्राहम सच्चा राजा था, राज्य करता था प्रभु के द्वारा, प्रभु के आशीष के द्वारा। आइए खड़े हो जाएं। आमेन। अपने हाथ उठाकर बस प्रभु को धन्यवाद दे। यीशु तेरी स्तुति, धन्यवाद पिता, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत प्रकाशन के लिए, प्रभु की आशीष के बारे में। ओ धन्यवाद देते, तुझ में आनंद मनाते प्रभु, कि हमने चुना है कि इस राजा के पास में आए, जो राजा है शालीम का, जो हमें आशीष देने आया। हम उस राजा के लिए अपना भरोसा दिखाते हैं, शैतान के लिए नहीं, जो कहता है कि हम गलत काम करें, कि हमारा जीवन गलत काम करने के कारण परेशानी में जाए और विपत्ति में जाए, कि हमारा जीवन नाश हो और बर्बाद हो। हम उस परमेश्वर की ओर देखते हैं जो सब कुछ सही करता है, आकाश और पृथ्वी का मालिक, हमारे सारे शत्रुओं को हमारे हाथ में सौंपता है, सब कुछ संभव बनाता और हमें प्रमोशन देता है, पोजीशन और सामर्थ देता, सारी चीजों के ऊपर सामर्थ। धन्यवाद देते और प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों के दिल में प्रकाशन हो जाए, आने वाले दिनों में ये इसके बारे में सोचने लगे, ये इन चीजों पर मनन करें, और इनका दिल इन बातों से आनंदित होगा कि ये वास्तविकता में चलेंगे, प्रमोशन, पोजीशन और सामर्थ में। प्रभु प्रार्थना करता हूं कि ये इस प्रमोशन का अनुभव करे जो ये कहता है, क्योंकि ये आशीषित है, ये प्रमोशन पाएंगे अपनी नौकरी में, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में, व्यापार में और सब में। ये इस प्रमोशन का अनुभव करें जो आशीष के कारण आता है, ये पोजीशन का अनुभव करें,
ये उन चीजों को प्राप्त करें जिनके बारे में सोचा भी नहीं था कि प्राप्त करेंगे, क्योंकि इनके जीवन में आशीष काम कर रही है और ये सामर्थ्य और अधिकार का आनंद उठाएं। ये कमजोर नहीं लेकिन तुझमें सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य और अधिकार का आनंद उठाएं और हर शत्रु पर विजय पाएं हर चीज में, क्योंकि ये आशीषित हैं, क्योंकि ये तेरे द्वारा आशीषित है और तुम्हें आशीषित करता है पिता। धन्यवाद पिता, हम तुझे सारी महिमा आदर स्तुति देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते आमीन। I'm reaching for the prize, I'm giving everything, I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me, you hold my head up high, I live for you. Greater is he that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move a mountain, I can do all things through Christ. Strengthens me, faith. I can move a mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. Who strengthens me. From greater is he that's living in me than he that is in the world. Amen. Greater is he that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Strengthens me, faith. I can move a mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. Strengthens me, faith. I can move a mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing.